पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बक्सर में कांग्रेस के सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने सूबे में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को माफिया राज और गुंडा राज बताया है, जबकि बिहार सरकार के सहकारिता व वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने यह कहा है कि विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। सुनिए क्या कहा सदर विधायक संजय कुमार तिवारी ने। ये लोग जंगल राज की दुहाई देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ तथाकथित भाजपा के नेताओं से कि 18 साल पहले जंगल राज का सफाया करके बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को मैंडेट दिया और नीतीश कुमार जी यहाँ के उत्तराधिकारी बने, तो अब वो जंगल राज की बात आप क्यों करते हैं? आप माफिया राज की बात कीजिए। पुल पुलिया गिर रहे हैं, किनकी गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित जिस सरकार ने किया है। दूसरा कि अभी एक अत्यंत दुखद घटना बिहार में हुई, हमारे सहनी जी के पिताजी की हत्या दरभंगा में कर दी गई, इस पर सरकार अभी तक क्या एक्शन लिया और किन किन की गिरफ्तारियां अभी तक सुनिश्चित या पुलिस ने किस किस का नाम उद्भेदन किया, ये अभी तक तो उजागर नहीं हुआ है। किसान 16 घंटे बिजली के लिए मर रहे हैं, टेल एंड में आज तक पानी नहीं आया, दो दो तीन तीन महत्वपूर्ण सत्र बीत गए और सरकार अभी तक सोई हुई है। तो ये माफिया राज है, ये गुंडा राज है, ये जंगल राज की दुहाई देते हैं। ये अपने राज काज की बात को छुपाने के लिए ही ऐसा ये लोग विधवा विलाप कर रहा है यहाँ की जनता के सामने कि तेजस्वी का जो पारा मीटर ऊपर चढ़ा हुआ है उसको हम एन केन प्राकृत ध्वस्त करें। तो ये एन केन प्राकृत ये पारा ध्वस्त होने वाला नहीं है और हम इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हैं, एकजुट थे और एकजुट रहेंगे। कांग्रेस विधायक के इन आरोपों का भाजपा नेता तथा बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने भी खूब जवाब दिया। विगत दिनों का चर्चा जो आप कर रहे हैं, घटनाएं घट रही है, हम घटना पर एक्शन ले रहे हैं, हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं। पिछली सरकार जो हुआ करती थी वो अपराधियों को सुरक्षित करने का काम करती थी, घटना घटती तो कार्रवाई नहीं करती थी। हम कार्रवाई कर रहे हैं, न बचा रहे हैं, न फंसाने का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का काम कर रहा है उस विधि से मत कार्रवाई करने का काम कर। विपक्ष सीधे आरोप लगा रहा है कि जंगल राज चल रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है, उनको याद कराना हम चाहेंगे। विपक्ष के साथियों को अपने गिरवान में झांक कर देख बिहार क्या था जाकर के, और उनके सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, अपराधी बचाए जाते थे जाकर के, सरकार कार्रवाई नहीं करती थी। आज की सरकार संरक्षण नहीं दे रही, कार्रवाई करने का काम कर रही है। लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है। तेजस्वी यादव को हम याद कराना चाहेंगे। लालू जी का शासन, राबड़ी जी का 15 वर्षों तो बिहार में थे, कैसा बिहार था? बिहार से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर चले गए थे। बिहार में शाम के 6 बजे के बाद पटना राजधानी में महिलाएं नहीं निकल पाती थी। बिहार के सभी जिलों में शाम बच्चे माता पिता इंतजार करते बच्चा उनका वापस आएगा, पति नौकरी से वापस लौट कर आएगा, वो हालात उस स्थिति आज नहीं है। उस समय की सरकार अपराधियों को सुरक्षित करने का काम करती थी, बचाने का काम करती थी। आज की सरकार हम अपराध तो आज भी हो रहे हैं और अपराध अपराध हो रहे हैं कि पहले जंगल राज कहते थे मगर अब आज क्या तो माफिया और गुंडा राज बता रहे हैं वो तो है, तो कार्रवाई हो रही जगह जो है, कोई व्यक्ति गुंडा राज है। यदि कोई व्यक्ति अपराध को कानून को हाथ में लेने का काम कर रहा है, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। नेताओं के जुबानी जंग के बीच एक बात तो साफ है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।